गुड मॉर्निंग गाइज गुड मॉर्निंग एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को सो गणपति बप मौर्या शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं जरा आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ दीप्ति सत्येंद्र रविंद्र सागर जुल्फिकार भागवती मीना दीपक एस्टला आर के यू योगराज सिंह सत्येंद्र कुमार गुड मॉर्निंग टू एवरी वन बिल्कुल आप सभी को भी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं तो so, आज का सेशन शुरू करते हैं देखते हैं जरा आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके तो, एग्जाम आगाज करते हैं आज के सेशन का चलिए इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए सबसे पहली चीज तो एक बिग अनाउंसमेंट होने वाला है कुछ नया आप लोगों के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका पता चलेगा आपको इलेवन ऑफ सेप्टेम्बर को सुबह दस बजे लाइव आना है आप सभी को इसी यूट्यूब चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ये बिग अनाउंसमेंट आप सभी के लिए रहेगी इसमें बहुत कुछ नया आप लोगों के लिए लॉन्च किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पर ठीक है तो ये आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ग्यारह सेप्टेम्बर को लाइव आ जाइएगा कुछ इंपॉर्टेंट बैचेस लॉन्च किए गए हैं सी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे पेपर वन पेपर टू एंड पेपर थ्री के लिए फाइव ऑफ सेप्टेम्बर से बैच लॉन्च हो रहा है फोर्टीन नाइन्टी नाइन अमाउंट रहेगा और मंथ एंड पर फिफ्टी फाइव परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है अगर अभी आप परचेज करते हैं तो फिफ्टी ऑफ मिलेगा कूपन कोड यूज करना है फ्यूचर ठीक है ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सूरज ये खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। साइंस स्पेशल 21 बैच ये आपका 6 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा 899 का बैच कंप्लीट साइंस बाय अनुराग सर एंड काजल मैम और ये सवालों का सिलसिला शुरू होते हुए देखें हां जी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहां पे 25 अगस्त से शुरू हो रहे श्रम मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑफ लेबर मिनिस्टर्स हमारे जितने भी राज्य हैं जितने भी यूनियन टेरीटरीज सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के जितने भी लेबर मिनिस्टर्स हैं ना उन सभी के क्या है एक मीटिंग कराई जा रही है एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के ऊपर डिस्कस किया जाएगा इन योजनाओं को सुचारू रूप से लागू किया जाएगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पर यह मीटिंग हुई थी और इसको हेड किसने किया था तो हेड किया था किसने मोदी जी ने इसको हेड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको हेड किया था और हुई कहां पर थी ये मीटिंग ऑप्शन नंबर ए गलत है आंध्र प्रदेश में हुई थी ये मीटिंग पर आयोजन किया गया था इसका आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है ठीक है तो आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा यहाँ पर जो तिरुपति नाम की जगह है तिरुपति में इसका आयोजन किया गया <clears throat> कब किया गया ट्वेंटी फाइव ऑफ अगस्त को किया गया था पॉइंट्स क्लियर है चलो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पे सीएम कौन है आपके जगन मोहन रेड्डी जी सीएम हो जाएंगे एंड गवर्नर है आपके यहाँ पर कौन भगत विश्वभूषण हरिचंदन ठीक है कौन है विश्वभूषण हरिचंदन चलिए यहाँ तक ठीक है अच्छा आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही फेमस पेंटिंग होती है जहां से सवाल आपका बन चुका है कई बार कलमकारी पेंटिंग पूछा जाएगा कहाँ से संबंधित है किस राज्य में की जाती है तो ये आंध्र प्रदेश में होती है है ना आंध्र प्रदेश में होती है अभी ना एक हाँ बिल्कुल वेजिटेबल प्रोडक्शन नहीं वेजिटेबल में नहीं फ्रूट प्रोडक्शन में टॉप किया था मैसेज डिलीट कर दिया गलती का एहसास जल्दी हो गया ये फ्रूट प्रोडक्शन में टॉप आया था भाई आंध्र प्रदेश में वेजिटेबल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ते हुए यूपी नंबर वन पे है वेजिटेबल के प्रोडक्शन में यूपी नंबर वन पे है एक और इंडेक्स आता है चीनी प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट नंबर वन पे है तो उसमें महाराष्ट्र नंबर वन पे है ओके पॉइंट्स क्लियर हैं चलिए हाँ आंध्र प्रदेश का है भाई कुचिपुड़ी जो है आपका डांस ही आंध्र प्रदेश में किया जाता है एक लेक भी है यहाँ से जो सवाल आपका भी पूछा गया था ग्रुप डी में पुलिकट लेक कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में है ठीक है और जो हमारा ट्वेंटी फिफ्थ लेटेस्ट हाई कोर्ट है ये भी कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में अमरावती के नाम से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कब अलग हुए थे दो जून दो को दोनों अलग हो जाते हैं ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन <coughs> चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है इन विच सिटी इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है बेंगलोर में चेन्नई में दिल्ली में या फिर हैदराबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका ओके इंडिया क्लीन एयर समिट जो कि इसका फोर्थ एडिशन है और ये ट्वेंटी थ्री अगस्त को इसका आयोजन किया गया है कहां पर बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया इंडिया क्लीन एयर समिट ट्वेंटी थर्ड एडिशन था इसका ठीक है ये जो है आपका सॉरी ट्वेंटी थ्री अगस्त को किया गया

इन्वेस्ट कीजिए है ना जहां पर आप कर सकते हो वहां कीजिए यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कर्नाटक से रिलेटेड फैक्ट्स बताएं चलो देखो कर्नाटक की बात करते हैं देखो कर्नाटक में सीएम तो बसवराज बुमई है गवर्नर थावरचंद गहलोत है इसके अलावा आप देखोगे कर्नाटक में नेशनल पार्क्स कौन कौन से मिलते हैं अंशी बंदी नेशनल पार्क हो गया नागरहोल नेशनल पार्क हो गया आपका और एक नेशनल पार्क है आपका यहाँ पर अंशी बंदी नागरहोल वानर घाटा नेशनल पार्क ये सभी नेशनल पार्क कर्नाटका में है यहाँ का फेमस फेस्टिवल कौन सा है यक्षगान यक्षगान फेमस फेस्टिवल है यहीं पर एक और फेस्टिवल मनाया जाता है कम्बाला फेस्टिवल कम्बाला भी कहाँ मनाया जाता है कर्नाटका में मनाया जाता है

चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की देखिए अगस्त 2022 में भारत श्रीलंका में खोजी गई लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया इससे पहले ना लंबे अंगूठे वाला एक चमगादड़ है जिसकी खोज की गई थी नई प्रजाति की अभी लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की खोज की गई है तो ये जो स्पेस है वो कहां पर किस नाम से खोजी गई है जो कि भारत श्रीलंका में खोजी गई है आप मुझे उसका नाम बता दीजिए वेम्पायर कोनाट वारबिट मिनी ऑप्टेरस फिलिपसी है क्या है करेक्ट आंसर एंड सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर भी करते चले सारे बच्चे जितना भी वाचिंग चल रहा है फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे और अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे ठीक है जो भी आपके ग्रुप से चाहे वो रिश्तेदारों का ग्रुप हो चाहे वो दोस्तों का ग्रुप हो सबको शेयर कर दो कि भाई पढ़ाई कर लो क्लास में आ जाओ क्लास लाइव चल रही है ओके okay. ठीक है मैम बता दीजिए ना आप ही बता दीजिए हमें तो बताना ही है मिनी ऑप्टेरस फिलेप्सी होगा ऑप्शन डी जिनका आंसर है करेक्ट है. अच्छा ये तो बात हो गई जो लंबी उंगलियों वाला चमगादड़ की जो खोज की गई है अगर आपसे पूछ लिया जाए लंबे अंगूठे वाला एक चमगादड़ खोला गया था मोटे अंगूठे वाला जो कि कहाँ पर मेघालय में खोजा था इसका नाम क्या है ग्लिसक्रोपस मेघलायनस है आप इससे ये भी याद रख सकते हैं कि श्रीलंका और अंगूठे वाला जो है वो मेघालय में खोजा गया है अब आप इसको कैसे याद रखते हैं ये तो आप देख लीजिएगा इम्पॉर्टेंट है बाकी आपका ये ठीक है वैसे देखा जाए तो इस आ, उंगली वालों की जो लगभग प्रजातियां दुनिया भर में है वो 40 स्पीशीज पाई जाती हैं ओनली 40 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर पे अगस्त 2022 में किसे सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया है हैप्पी तीज और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं आप सभी को भी नाउ क्वेश्चन है आपका यहां पे पुरस्कार पुरस्कार देखो से कल मैंने क्वेश्चन करा दिया था हालांकि आपको और ये आपका रिपीट हो गया है तो चलिए कल तो आप लोगों ने कर ही लिया था आजम है ये कहाँ से बिलोंग करते, है? करते हैं बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं ठीक है तो इन्हीं को दिया गया है 2022 के लिए जो पुलिसर पुरस्कार है किसको दिया गया फमीदा आजम को मिला है जो कहा से बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं ठीक है पॉइंट्स क्लियर है इस अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी 1917 से हुई थी इस अवार्ड की शुरुआत जो है 1917 से दिया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर भी करते चलेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए चर्चा में रहा सुपर वासु की किससे संबंधित है क्या है सुपर वासु की कौन बताएगा ये इतना आसान क्वेश्चन है जिसने इसका आंसर नहीं किया किसकी उपाधि मिलनी चाहिए उसको चिरकुट की उपाधि मिलेगी उसको ना ओके okay. मालगाड़ी है चलो कुछ बच्चे कह रहे स्पेस क्राफ्ट है देखो ध्यान से सुनेगा हमारे देश में फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे जो लॉन्गेस्ट ट्रेन है जो सबसे लंबी जो ट्रेन है जो कि मालगाड़ी ट्रेन है लॉन्गेस्ट ये गुड्स ट्रेन है और इसका नाम क्या है सुपर वासुकी नाम है इसका इसकी लेंथ की बात करते हैं साढ़े तीन किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी पांच मालगाड़ियों को जोड़ करके ये मालगाड़ी बनाई गई है साढ़े किलोमीटर तो ये लॉन्गेस्ट है क्या है ये मालगाड़ी है गुड्स ट्रेन है फ्रेट ट्रेन है ठीक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर सबसे पहले जो आपकी सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट ट्रेन आपकी आती है वो किस नाम से आती है आप मुझे बताइएगा सबसे पहले जो मालगाड़ी जो ट्रेन आई थी आपकी लॉन्गेस्ट इससे पहले जो ट्रेन आई थी वो कौन सी थी कोई बता सकता है इसका आंसर कितनी बार आप लोगों तो कभी कभी आप लोग भी आंसर किया करें ऐना कोंडा थी बिल्कुल उसके बाद आपकी शेष नाग आती है ठीक है उसके बाद आती है आपकी शेष नाग ये ध्यान रखिएगा अब ट्रेनों की बात चली रही है तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट कीजिए नवदूत ये पहली ट्रेन है जो पूरी तरह से किस पर, पर बेस्ड है बैटरी पर बेस्ड है बैटरी से संचालित होने वाली ये पहली ट्रेन चलाई गई थी जिसमें 84 बैटरीज लगाई गई थी और इसकी जो स्पीड यहां पे दर्ज की गई है वो 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये ट्रेन चलने वाली है अगर आपसे पूछ लिया जाए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जो जो रेलगाड़ी नेटवर्क है जो रेल नेटवर्क है ये किस देश में है तो यूएसए में है अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट जो रेल नेटवर्क है ये कौन से राज्य में है यूपी के अंदर मिलता है लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क अगर जोन पूछा जाए टोटल 18 जोन है कौन सा जोन है जो लॉन्गेस्ट रेलवे जोन में आता है तो ये नॉर्थ जोन है ठीक है नॉर्थ जोन सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे जोन में आता है पॉइंट्स क्लियर है यहाँ तक सभी को अच्छा जो हमारा जो रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना कब की जाती है 1905 के अंदर और इसको नेशनलाइज कब किया था 1950 में प्रेजेंट टाइम पे जो रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं ये कौन है तो ये हो जाएंगे विनय कुमार त्रिपाठी हैं एक है विनय कुमार अश्विनी वैष्णव के पास में है अच्छा रेल मंत्रालय ने कुछ पोर्टल्स और कुछ एप्लीकेशन लॉन्च किए थे कुछ ऑपरेशन जैसे कि आप देखोगे ऑपरेशन में लिख देती हूँ यहाँ पे नोट कीजिए लॉन्च किया था यहाँ पे ऑपरेशन आहट लॉन्च किया था एक था ऑपरेशन अमानत यहाँ पे है ना और एक लॉन्च किया जाता है ऑपरेशन उपलब्ध जो ब्लैक टिकट्स होती है उनको रोकने के लिए लॉन्च किया था ऑपरेशन सहेली ये भी रेलवे ने लॉन्च किया था आपका रेल मदद पोर्टल लॉन्च किया जाता है रेल मिनिस्ट्री के द्वारा ही इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर वन थ्री नाइन जो है ये भी लॉन्च किया था रेल मिनिस्ट्री ने यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं बिल्कुल ऑपरेशन आहट ये महिला और बच्चों के लिए था जो उनकी ट्रैफिकिंग होती है उसके लिए उसको रोकने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए थे ऑपरेशन आमानत था आपका सामान घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध था जो ब्लैक टिकट होते हैं उसको रोकने के लिए ओके अच्छा गौरव भारत ट्रेन चलाई गई थी किस-किस देश के बीच में पहली टूरिस्ट गौरव भारत ट्रेन जो चलाई गई है आपसे पूछा जाएगा किस किस देश के बीच में चलाई गई है क्या कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या अभिषेक ठाकुर ठीक है अब एक कमेंट को हजार बार करके क्या हो जाएगा आप लोगों को मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे इरिटेट मत किया करो अगर कोई डाउट है समझ आता है तब तो कि ठीक है मैंने देखा नहीं तब तक आप लोगों का करना जायज बनता है लेकिन जो फालतू के क्वेश्चन होते हैं कि मैम आप यहाँ पढ़ा यहाँ भी पढ़ाते हो क्या ये वो ये सब फालतू के क्वेश्चन मत किया करो ओके okay. बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेपाल होगा इंडिया और नेपाल के बीच में चलाई जाती है पहली टूरिज्म गौरव भारत ट्रेन आपकी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ये जो आपकी जो वासु की जो ट्रेन थी अभी इसका ना सक्सेसफुली ट्रायल किया गया है क्योंकि जो 75 फाइव ईयर्स जो कंप्लीट हो गए हैं हमारे स्वतंत्रता के तो उसी में क्या है इस मालगाड़ी का ट्रायल किया गया है यहाँ पर नेक्स्ट इसलिए ये दोबारा से न्यूज़ में है आपका 2022 में डीआरडीओ ने वीएलएसआरएम मिसाइल सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट किया था कहाँ से श्रीहरिकोटा से टेस्ट किया चांदीपुर से कलाम आइलैंड से या फिर हैदराबाद से इसे टेस्ट किया गया क्या लगता है भाई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओके okay. ठीक है काफी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है वेरी गुड बीच बीच में कुछ बच्चे ऑप्शन ए भी आंसर कर रहे हैं पे देखो भाई इस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया गया है डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर के इसको टेस्ट किया है अभी ट्वेंटी थ्री ऑफ अगस्त को ही टेस्ट किया गया है ठीक है तो ये सक्सेसफुली टेस्ट कहां से हुआ है ओडिशा के चांदीपुर रेंज से इसको टेस्ट किया गया है कहा से चांदीपुर रेंज से इसको टेस्ट किया गया है ये ध्यान रखेगा जो आपकी पृथ्वी 2 जो मिसाइल है इसको कहाँ से टेस्ट किया गया था पृथ्वी 2 मिसाइल बताइएगा अभी हमने किया था इसको कहाँ से टेस्ट किया गया चलो आगे देखो डीआरडीओ के बारे में तो हम काफी बार देख चुके हैं हाँ डीआरडीओ में नए हेड पॉइंट्स किए गए हैं डीआरडीओ में नए हाँ बिल्कुल सही कलाम द्व में नए हेड किए गए हैं उनका नाम बताइएगा कि किन्हें अपॉइंट किया गया है और ये जो मिसाइल की बात करेंगे सरफेस टू एयर ये वॉर करने वाली मिसाइल है एस आर एस ए एम वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई डी के की एस सोमनाथ हाँ इसने बोला है

ठीक है पूछने का पर्पज यही होता है कि आपको भी पता चले कि हाँ, आप चीजें कितनी भूलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उदय उमेश ललित जो हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वेरी गुड एस्टेला निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग लोक सिस्टम के माध्यम से संचालित होता है कौन सा इंटरनेशनल वाटरवेज है जो ऑपरेट होता है थ्रू अ लोक सिस्टम स्वेज कैनाल राइन रिवर डेन्यूब रिवर या फिर पनामा केनाल है क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा विच इज योर करेक्ट आंसर ओके ठीक है काफी बच्चे का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है कुछ कुछ बच्चे ऑप्शन बी भी आंसर करें पनामा केनाल जिनका आंसर है बिल्कुल सही है पनामा केनाल की बात करते हैं तो ये कहां पे लोकेटेड है अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में इसकी लोकेशन मिलती है जिसको गेटवे टू द पैसिफिक भी कहा जाता है जिसे गेटवे टू द पैसिफिक के नाम से जाना जाता है पनामा नहर को जाना जाता है ओके क्योंकि ये ना एक जलमार्ग है शॉर्टकट कह सकते हैं आप यहाँ पर जाने के लिए क्या है एक शॉर्टकट है ये जो तूफानी रास्ते से बचाता है पनामा नहर जो है आपका तो इसी को ना लोक टाइप नहर के रूप में भी जाना जाता है okay? तो ये अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में ये लोकेटेड है इन दोनों को जोड़ने का काम करती है पनामा नहर इनको जोड़ने का काम करती है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट निम्न में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करते है. कौन इंडियन बैंक एसोसिएशन है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी एटीएम को जोड़ने का काम कौन करता है क्वेश्चन नंबर एट क्या लगता है भैया आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए ओके okay. बिल्कुल जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहा है करेक्ट है एनपीसीआई के द्वारा इन्हें किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है जोड़ा जाता है एनपीसीआई के द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मोस्टली बच्चे सोचेंगे कि इसका आंसर RBI होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए बट ऐसा नहीं है ये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में आता है ये सभी ए को जोड़ने का काम करता है 2009 को ही इसको इसको ये जो है ये काम जो इसको सौंपा गया था 2009 को सौंपा गया था 2009 से ही एनपीसीआई जो है ये काम करता है कभी कभी एटीएम की फुल फॉर्म भी पूछ ले जाती है बहुत बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों को पता होगा सभी को नाइन नाइन परसेंट बच्चों को पता होगा तो जो एक परसेंट है वो सुन ले ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट मौर्य काल की स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है ये कहां पर लोकेटेड है मौर्य काल के स्तंभ राजधानी जिसे की सिंह राजधानी भी कहा जाता है ये कहां पर लोकेटेड है करेक्ट आंसर क्या होगा टेलर मशीन है वेरी गुड तो बताइएगा ये ये कहां पर लोकेटेड है <coughs> काल के स्तंभ राजधानी ये कौन सी हुआ करती थी सारनाथ हुआ करती थी और इसी को क्या कहा जाता था सिंह राजधानी कहा जाता था सारनाथ वही तो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहली बार थे पहली बार जिस जहां पर उपदेश ये थे, उसको सारनाथ कहा गया और ज्ञान की प्राप्ति ने बोध गया में हुई थी और श्रावस्ती तो है ठीक है सारनाथ को सिंह राजधानी कहा जाता है, है, है। मीडियम पानी का पीएच कितना होता है भाई ये साइंस के क्वेश्चंस ना पूछो मुझसे हमको इतनी साइंस आती तो हम साइंस ही ना पढ़ा देते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भारतीय वायु सेना को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में स्थापित किया गया था इन विच इंडियन एयरफोर्स को ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया जाता है कब 1922 में 1919 में 1947 में या फिर 1932 में ओके okay. बिल्कुल सही आंसर जिन्होंने आंसर किया है 1932 वेरी गुड इंडियन एयरफोर्स को एस्टेब्लिश कब किया था 1932 में एस्टेब्लिश किया जाता है और अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं कब इसकी स्थापना हुई थी तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वेरी गुड कब मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है अगर एयरफोर्स चीफ पूछ लिया जाए तो प्रेजेंट टाइम पर कौन है एयरफोर्स चीफ आपके ये हो जाएंगे वी आर चौधरी है ठीक है कौन है वी आर चौधरी अगर आपसे आर्मी पूछा जाए तो देखो आर्मी डे दे कब मनाते हैं ऑफ जनवरी को मनाते हैं 74th मनाया था अभी हमने और आर्मी चीफ कौन हो जाएंगे आपके ये मनोज पांडे हैं कौन बने हैं अभी मनोज पांडे बने हैं नेक्स्ट अगर नेवी पूछ लिया जाए नेवी डे जो कि हम चार दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं नेवी चीफ कौन हो जाएंगे और आपके नेवी चीफ कौन है आर हरी कुमार है ठीक है नेवी चो चीफ है आर हरी कुमार पॉइंट्स क्लियर है हैं यहाँ तक सबको हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई है मुझे जहाँ तक लगता है है ना अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा भी नाम आने वाला है अगला नाम मेरा ही रहेगा सबसे अच्छी हैंडराइटिंग किसकी है जैसे इंडिया की रैंक जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में आई है वही रैंक मेरी भी आने वाली है अभी जैसे भी रहेगा नाम तो मेरा आएगा ही ना चाहे नीचे से टॉप करो चाहे ऊपर से टॉप करो याद तो रखेंगे लोग चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन जी क्वेश्चन नंबर इलेवन में आपसे पूछा जा रहा है बगरू डैश में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है बगरू जो है इज वन ऑफ द फेमस सेंटर्स ऑफ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग इन डैश ये कहाँ पर मिलता है आपको कौन से स्टेट या फिर यूटी के अंदर लोकेटेड है विच इज योर आंसर ओके okay. ये ट्रेडिशनल प्रिंटिंग टेक्निक है पता है बगरू प्रिंटिंग जो है ना ट्रेडिशनली प्रिंटिंग टेक्निक है जो कि नेचुरल कलर्स का यूज करके की जाती है ये पेंटिंग जो नेचुरल कलर्स जैसे कि फूलों से बनाया गया पेड़ पौधों के पत्तों से बनाया गया कलर नेचुरल कलर्स का यूज करके बनाया जाता है इस पेंटिंग को हस्त ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है इसको तो ये कहां पर मिलती है आपको राजस्थान के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट है कहाँ मिलती राजस्थान में मिलती है राजस्थान में सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी है मंदाना पेंटिंग है सबसे फेमस जो कि राजस्थान में की जाती है राइट right? फेमस पेंटिंग्स कुछ राज्यों से ज्यादातर सवाल बनते हैं महाराष्ट्र में वार्ली पेंटिंग आंध्र प्रदेश में कलमकारी उड़ीसा में पट चित्रकला होती है आपकी और आप देखोगे बिहार में मधुबनी पेंटिंग होती है आपकी ठीक है और राजस्थान में ये मंदाना पेंटिंग हो गई सबसे ज्यादा सवाल जो है ना यहाँ से पूछे जाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा ओके बाकी देखो राजस्थान के पॉइंट्स यहाँ पर सीएम कौन है अशोक गहलोत है गवर्नर हो जाएंगे कलराज मिश्र यहीं पर आपको सांभर लेक मिलती है जो खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील है राजस्थान में अभी लेटेस्ट जो योजना लॉन्च की गई है ये कौन सी है बाल गोपाल योजना इसमें छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है ठीक है यहीं पर इससे पहले चल रही थी भिखारी मुक्त योजना एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना घर घर औषधि योजना चिरंजीवी योजना सोजित मेहंदी को जीआई टैग मिला हुआ है बिल्कुल सही है यहीं पर कहा राजस्थान में सोजत मेहंदी को जी आई मिला था यहां तक पॉइंट क्लियर रहे सबको चलो तो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है राजस्थान में ये आपका बगरू पेंटिंग जो है ठीक है आमतौर पर नीले या काले रंग के प्रष्ठाधार यानी कि पेपर पर ही की जाती है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डैश विश्व की सबसे लंबी नहर है लॉन्गेस्ट केनाल इन दर्ल्ड जो लॉन्गेस्ट केनाल है इन द वर्ल्ड ये कौन सी है सबसे लंबी जो केनाल है ये कौन सी है क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा अब मोस्टली बच्चे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेंगे आई न्यू इट अगर मैं कहूँ की ये गलत है तो क्या कहोगे तुम ऑप्शन अगर मैं कि गलत है तो फिर क्या कहोगे चलो बाकी बच्चे बताएं भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है ऑप्शन नंबर ए पर आगे प्रोडक्शन अड्डा का आंसर करेक्ट है वेरी गुड एक बच्चे ने आंसर सही किया ग्रैंड नहर जो कि चाइना के अंदर मिलती है आपको ग्रैंड नहर जो कि पर है बीजिंग हांगजो के बीच में लोकेटेड है ये नहर जो विश्व की सबसे लंबी ये आर्टिफिशियल नदी या नहर के रूप में जाने जाती है ठीक है और ये जो यांग टे और जो येलो रिवर है ना इन दोनों को जोड़ने का काम करती है ये नहर आपकी बीजिंग से शुरू होती है वही नहर 2014 के अंदर इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया हुआ है यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है ये जो नहर है तो ये नहर कहो या नदी कहो ये आर्टिफिशियल रूप से बनाई हुई है ग्रैंड कैनाल ग्रैंड कैनाल जो कि चाइना के अंदर लोकेटेड है ठीक है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं 1104 माइल जो है वो इसकी लंबाई है, ऊंचाई कितनी हो थर्टी 138 फीट है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन सबकी भैंस गई पानी में हा चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के गठन से कौन जुड़े हुए हैं एजुकेशन सोसाइटी की बात करते हैं तो इसके जो संस्थापक हैं इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने एजुकेशन को लेकर काफ़ी काम किया था महाराष्ट्र के अंदर 43 जो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसी सोसाइटी के द्वारा स्थापित की जाती हैं तो कौन है भाई यहाँ पर इसके जो संस्थापक हैं ऑप्शंस क्या होंगे राना डे है ओके okay, बाकी बच्चे ऑप्शन डी कर रहे हैं कुछ बच्चे गलत है करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर सी ये पुणे के अंदर लॉकेटेड है और इसकी जो स्थापना है वो कब की जाती है 1880 में पुणे के अंदर लोकेटेड है महाराष्ट्र में जो 43 एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो मिलते हैं जो एजुकेशन के सेक्टर में काम करते हैं वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंडर में ही आते हैं और ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित की जाती है ओके okay? चलिए इन्हीं को लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई है इन्हीं को लोकमान्य तिलक कहा जाता है जो केसरी न्यूज़पेपर है वो इन्हीं का न्यूज़पेपर है केसरी जो है वो इन्हीं का न्यूज़पेपर है नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर देखिए भारत के निम्न में से किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू नहीं है आपको बताना है कि किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू नहीं है करेक्ट आंसर क्या वेस्ट बंगाल यूपी तेलंगाना कर्नाटका आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हो ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे तो जल्दी ऑप्शंस तक पहुंचोगे यूपी कैसी बात करो यूपी में दो ही तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक हिंदी है एक उर्दू है यहाँ पर एक हिंदी है और एक उर्दू है आपकी तेलंगाना में एक तेलुगु है और एक उर्दू है ठीक है कर्नाटका में कन्नड़ है और उर्दू है सॉरी 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 कर्नाटका में कन्नड़ है वेस्ट बंगाल में है बेंगोली और उर्दू आपकी करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा हम भी करते करते भावनाओं में बेहतर चले जाते हैं कभी कभी ऑप्शन डी कर्नाटका में जो है ना वो उर्दू नहीं है ठीक है सिर्फ कन्नड़ है उर्दू जो है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर उर्दू नहीं है इसकी ऑफिशियल भाषा क्या है कन्नड़ है अब भाषाओं की बात करते हैं जो लैंग्वेजेस हैं संविधान में कितनी भाषाओं के बारे में बताया गया मूल संविधान में चौदह भाषाएं थी बाद में आठ भाषाएं ऐड की गई प्रेजेंट टाइम पर कितनी भाषाएं हैं बाईस भाषाएं हैं ये जो आठ भाषाएं ऐड की जाती है वन प्लस थ्री प्लस फोर इक्वल थ्री एट ऐसे एक जो सिंधी भाषा ऐड की गई थी ये इक्कीसवें संविधान संशोधन के तहत तीन भाषाएं डोगरी और संथाली जो ऐड की जाती हैं ये इकहत्तरवे संविधान संशोधन के तहत और बाकी जो पांच जो मणिपुरी नेपाली थी ये आपकी संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई थी ठीक है तो इस प्रकार से जो आठ भाषाएं ऐड की जाती कौन सी अनुसूची में आता है ये तो आठवीं अनुसूची में संविधान में दिया गया है भाषाओं के बारे में आर्टिकल थ्री से लेकर के फिफ्टी तक दिया हुआ है हिंदी जो है वो हमारी क्या है राजभाषा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थ्री फोर्टी थ्री शिव की दक्षिणा मूर्ति मूर्ति उन्हें किस मुद्रा में दर्शाती है जो दक्षिणा मूर्ति है आइडल ऑफ शिवा तो ये इन्हें किस मुद्रा में दर्शाती है एक शिक्षक की मुद्रा दर्शाती है एक नृत्य की शयन की या फिर ध्यान की मुद्रा दर्शाती है करेक्ट आंसर क्या होगा ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे बताओ भी जल्दी से विच इज योर करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन नंबर ए शिक्षक की मुद्रा दर्शाती है ठीक है बिल्कुल सही है भाई तो ये जो मुद्रा शिक्षक की मुद्रा दर्शाती गुरु के रूप में भगवान का एक पहलू है जो कि यहाँ पर दर्शाता है ये गुरु के रूप में भगवान शिव का ये पहलू यहाँ पर दर्शाता है शिक्षक के रूप में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है शिक्षक होगा करेक्ट आंसर है चलो मैथ्स हमारा बहुत अच्छा हुआ करता था लेकिन फिर हम टीचर बन गए और तो जब टीचर बन गई तो मैथ्स रीजनिंग सब छूट गया वरना मैथ्स ही मेरा सबसे अच्छा हुआ करता था जीएस से ज़्यादा अच्छा मेरा मैथ्स हुआ करता था जीएस मेरी वीक हुआ करती थी और इसी वजह से मेरा एग्ज़ाम नहीं हो रहा था फिर मैंने मैथ्स को छोड़ करके जी एस पे फोकस करना स्टार्ट किया तो मेरी जीएस इतनी अच्छी हो गई कि मैथ्स थोड़ा सा खराब हो गया अब वही ना प्रैक्टिस छूट जाती है मैं फॉर्मूल्स जल्दी भूल जाया करती थी तो इस वजह से फिर गड़बड़ हो गई लेकिन फाइनली फिर दोनों पर जब काम किया मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए तो एक साथ मेरे तीन एग्जाम निकल गए सी जी एल सी पी ओ सी एच एस एल बस उससे और उसके तुरंत बाद फिर मैं टीचिंग में आ गई थी फिर मैंने देखा कि यार गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा तो मज़ा टीचिंग करने में आता है तो फिर हमने इधर पलटी मार ली यस सो मैथ्स बहुत मेरा फेवरेट हुआ करता था स्कूल टाइम में नाइन्टी परसेंट अबाउ हमेशा रहा करते थे मेरे मार्क्स मैथ्स में और उस टाइम कभी मैंने ये नहीं सोचा था मैं मतलब ये सोचती थी कि इन फ्यूचर अगर मैं टीचर बनी तो शायद मैथ्स की ही बनूंगी इनफैक्ट आज भी मेरे रिलेटिव को यही लगता है कि मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ किसी को यकीन नहीं होता कि मैं जी एस करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या है संयुक्त राष्ट्र नाम किसने गढ़ा मज़ा नहीं मैम पैसा है हाँ जो भी है मतलब टीचिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे टीचिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज गवर्नमेंट जॉब इतना नहीं मुझे इतना लगा मेरे काफ़ी सारे नॉन हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब जिनकी लगी है जो कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस मैंने देखा उन्होंने काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया है और छोड़ करके वो टीचिंग में आए हैं तो मेरा भी एक यही रीज़न था चलो भैया आंसर पे आओ जल्दी से अब ऑप्शन नंबर ए काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस जो नाम किसने है किसने गढ़ा था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है विस्टन चर्चिल है ट्रिगवे लेव है या फिर चार्ल्स डे गोल है क्या लगता है करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा मोस्टली बच्चों ने जो आंसर हालांकि यहाँ पे किया है ऑप्शन ए जो कि बिल्कुल सही है ये नाम जो नाम जो यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र ये इन्होंने गढ़ा था जो कि इन्होंने कब दिया था ये फर्स्ट ऑफ जनवरी 1942 को दिया था और फिर यूनाइटेड नेशंस की स्थापना का विचार किया और ये स्थापना कब की इन्होंने 24 ऑफ अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की आज के टाइम पर आप देखोगे तो कितनी मेंबर कंट्रीज़ इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं टोटल इसमें हो चुके हैं 193 मेंबर कंट्रीज इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पर बोली जाती है इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये कितनी ऑफिशियल है छह ऑफिशियल लैंग्वेज है टोटल इसके पार्ट कितने हैं छह पार्ट है ठीक है ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी को ऐड किया जाएगा अभी हिंदी नहीं है इसके लिए हमने आठ लाख डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किया है इतना ताकि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया यूनाइटेड नेशन ने यूएनएससी जो है वो इसी का पार्ट है जिसमें दस प्लस पांच इक्वल्स टू पंद्रह मेंबर्स होते हैं ये नॉन परमानेंट जो होते हैं इंडिया इसका हिस्सा कब तक के लिए है दो साल के लिए चुने जाते ना तो अभी इकतीस <coughs> दिसंबर 2022 तक के लिए इंडिया यूएनएससी का पार्ट बना हुआ है ओके okay. और अभी जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स का जो समिट हुआ था उसको हेड किसने किया था इंडिया ने चलो नहीं यूपीएससी में तो नहीं जाने वाले थे हम हमने सीजीएल किया था और सीजीएल के लिए ही टारगेट था मेरा इनफैक्ट सीपीओ भी मेरा एग्ज़ाम अच्छी तरह से निकल गया था लेकिन लास्ट पॉइंट एक तो फिजिकल फिजिकल वाला ही हो गया था मतलब उसमें ही एक तो मैं अटक गई थी एग्जाम तो निकल गया था लेकिन फिजिकल मुझसे नहीं हुआ था और यहाँ पर सब लोगों को लगता ही था कि मैं शायद नहीं कर कभी प्रैक्टिस इतना अच्छे से नहीं करी थी और रनिंग में ही इनफैक्ट मैं पीछे रह गई थी रनिंग ही मुझसे नहीं हो पाया था उससे आगे तो मैं क्या ही जाती चलो भाई अब आप मेरा ज्यादा इतिहास मत छानो क्वेश्चंस पे फोकस करो देखो डैश से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया फ्रॉम डैश द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया हैज बीन सेपरेटेड फ्रोम द यूनियन बजट इसने देखो पहले क्या हुआ करता था जब हम यूनियन बजट पेश करते थे ना तो यूनियन बजट से जस्ट एक दिन पहले इकोनॉमिक बजट पेश किया जाता था जस्ट एक दिन पहले इकोनॉमिक बजट पेश किया जाता था उसके अगले दिन फिर होता था यूनियन बजट पेश किया जाता था ठीक है तो आपसे पूछा जा रहा है ये अलग कब कर दिया गया केंद्रीय बजट से फिर बाद में इसको अलग कर दिया गया कब किया गया ये आपको बताना है करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा ठीक है पहली बार जो किया जाता उन्नीस सौ पचास इक्यावन में किया गया था उन्नीस सौ पचास इक्यावन में किया जाता है नाइनटीन सिक्सटी फोर तक क्या किया गया इसको अलग से बजट इसका पेश मतलब 1964 तक ही आपका एक साथ ही पेश किया जाता था फिर 1964 से जो है इसको क्या किया गया अलग किया गया तो एक दिन पहले इकोनॉमिक बजट आता है और उसके बाद में आता है आपका यूनियन बजट तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1964 1964 से इसको क्या कर दिया गया इसको अलग कर दिया गया यही से एक और सवाल बनता है रेल बजट और आपका यूनियन बजट रेल बजट और यूनियन बजट का विलय कब किया गया अब इसका आंसर करेंगे आप लोग क्योंकि देखो रेल बजट और यूनियन बजट जो है ये भी पहले अलग अलग होता था 84 परसेंट लगभग रेल बजट आता था और जो बच गया 16 परसेंट समथिंग ये आपका यूनियन बजट आता था फिर इसको मर्ज कब कर दिया गया वो ईयर कौन सा है जब इसे मर्ज किया गया था टू 2014 में कर दिया जाता है 15 में तो फिर उसको पेश किया गया था है ना यस yes. एक सेकेंड एक बार ये डाटा कंफर्म कर लीजिएगा आप लोगों ने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है टू थाउजेंड सिक्सटीन फिफ्टीन है जो भी है एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा है ना जब ये रेल बजट और यूनियन बजट को क्या कर दिया जाता है मर्ज कर दिया जाता है या तो लास्ट में मुझे याद दिलाना मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन सेनागिरी डैश का तीर्थ स्थल है सेनागिरी इज अ पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ डैश बताएंगे जल्दी से क्या होगा सोनागिरी डैश का तीर्थ स्थल है ये किसका तीर्थ स्थल माना जाता है जैनियों का मुस्लिम्स का बुद्धिस्ट का या फिर सिखों का ये तीर्थ स्थल माना जाता है जो आपका सोनागिरी है जो कि कहां पर लोकेटेड है ये एमपी के अंदर लोकेटेड है दतिया नाम का जो जिला है ना वहां पर ओके। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से रिलेटेड बिल्कुल सही है यहाँ पर जैन धर्म से रिलेटेड काफी सारे मंदिर आपको मिलते हैं लगभग कितने एक सौ तीन मंदिर मिलते हैं आपको यहाँ पर सोनागिरी तो ये जैनयू का तीर्थ स्थल है क्या है जैनयू का तीर्थ स्थल है जो कि एमपी के अंदर आपको मिलता है कहां पर मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है मध्य प्रदेश में दतिया नाम का जो जिला है वहां पर लोकेटेड है पॉइंट्स क्लियर है सबको नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है विच इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया जो विरासत पशु है ये कौन सा है काउ हॉर्स टाइगर या फिर एलिफेंट नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया पूछा जा रहा है कि ये कौन सा है और इसे कब डिक्लेयर किया गया था

2010 में डिक्लेयर किया जाता है इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में एलिफेंट को कब डिक्लेयर किया जाता है 2010 में डिक्लेयर किया गया था एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लाया जाता है देखेंगे आप नेक्स्ट नेश एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है ये कब लाया जाता है 1992 में लाया गया था क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट 1975 में आता है टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आता है ठीक है हाथी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं कर्नाटका में पाए जाते हैं है ना सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं थाईलैंड को कहते हैं हजार हाथियों का देश किसे कहते हैं लाओस को कहा जाता है इज इट ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिख धर्म की स्थापना कब की गई थी व्हेन वाज सिखिज्म फाउंडेड सिख धर्म की जो स्थापना है ये कब की जाती है 1500 एडी में 1500 बीसी 1600 एडी या फिर 1400 एडी में की जाती है सिख धर्म की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की जाती है ये भी बताइएगा ठीक है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 1500 एडी में की थी 1500 सो ईस्वी में की जाती है सिख धर्म के जो संस्थापक हैं जो दस गुरु है ना उनमें से जो पहले गुरु वही तो कही जाते हैं और पहले गुरु कौन सी है गुरु नानक देव है ना जो गुरु नानक देव है सिखों के पहले गुरु इन्हीं को सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है दस गुरु हैं दसवें गुरु कौन से है दसवें हैं गुरु गोविंद सिंह हैं और फिर आपके गुरु ग्रंथ साहिब आ जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंद के चादर के नाम से किन्हें जाना जाता है तो गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है ठीक है गुरु तेग बहादुर को और अगर आपसे पूछ लिया जाए अमृतसर के संस्थापक किन्हें कहा जाता है तो आप मुझे बताओ चलो जल्दी से अमृतसर के संस्थापक जो है ये किस गुरु को कहा जाता है आंसर क्या है गुरु रामदास वेरी गुड नेक्स्ट आ जाइए अच्छा अब ये क्वेश्चन आपकी हो गए हैं अब हम एक छोटा सा लाइव टेस्ट करेंगे और ये जो लाइव टेस्ट रहेगा ना इसमें आउट ऑफ थर्टी लगभग क्वेश्चन रहेंगे थर्टी टू थर्टी फाइव क्वेश्चन रहेंगे आपका क्या स्कोर रहता है ये मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा ओके okay, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका यहीं पे पता चलता है कि कौन कितना पानी में है आपका ये सेल्फ टेस्ट रहेगा खुद ही स्कोर नोट कीजिए और लास्ट में मुझे बताना है क्या है है क्या ठीक चलो शुरू किया जाए फर्स्ट सॉरी ये टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है करेक्ट आंसर क्या होगा मेहर बोझ तो है अभी इनकी जयंती मनाई गई है ठीक है और वत्सराज ये भी है, ये भी है. अब साफ, साफ दे रहा है वैसे तो यहाँ पर कि कौन है जो गुर्जर प्रतिहार वंश से नहीं है धर्मपाल नहीं है क्योंकि ये पाल वंश के हैं धर्मपाल है, है, है. इन्होंने तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी बिहार के अंदर धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना पॉइंट्स क्लियर है अच्छा आप लोगों से एक क्वेश्चन है देखते हैं जरा कौन आंसर करता है सबसे पहले पाल वंश के जो संस्थापक हैं ये किन्हें कहा जाता है फटाफट से पाल वंश के संस्थापक किन्हें कहा जाता है देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है अब ये लाइव टेस्ट चल रहा है ना तो आप लोगों से ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गोपाल वेरी गुड करेक्ट है सबसे पहले रितु ने आंसर किया था इसका देखिए बोडो डोगरी संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल है इसके लिए कौन सा था इकहत्तरवा अमेंडमेंट एक्ट और ये जो एक भाषा थी संथाली थी सिंधी थी इक्कीसवा संविधान संशोधन तीन में कौन कौन से थे बोडो डोगरी और संथाली बोडो डोगरी और कोई और थी संथाली की जगह संथाली तो इसमें आती है ना आपकी एक सेकेंड बोडो डोगरी संथाली और मैथिली अच्छा ये है चार भाषाएं खैर जो भी है इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे चार भाषाएं दिख रही हैं आपको तो सीधा सीधा आप आंसर करके आओगे नाइनटी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट है कौन सा है नाइनटी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर अगर एक्ट पूछा जाए तो अमेंडमेंट एक्ट है दो हजार संविधान संशोधन के तहत ये चार भाषाएं ऐड की जाती है और भाषाओं के बारे में पीछे मैंने आपको बता दिया है ठीक है तीन भाषाएं जो है ना वो कोंकणी मणिपुरी और नेपाली है पीछे बताया तो था मैंने कोंकणी मणिपुरी और नेपाली है ओडो डोगरी संथाली और मैथिली ये चार भाषाएं हैं और एक भाषा जो ऐड की गई थी वो सिंधी भाषा थी आपकी वो सिंधी थी ये इक्कीसवा संविधान हो गया ये इकहत्तरवा हो गया और ये बानवेवा हो गया अब ठीक है पॉइंट्स क्लियर है सबको यहाँ तक चलो वेरी गुड तो ये सब याद रखिएगा भाई इंपॉर्टेंट है और भाषाओं के बारे में मैंने बता दिया आपको पीछे आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक दिया है आठवीं अनुसूची में दिया गया है नेक्स्ट निम्न में से कौन सा किला प्राचीन सिल्क रोड से संबंधित है एक फोर्ट बताना है जो एसोसिएटेड विद द एंशिएंट सिल्क रोड है कौन सा है ग्रेगोन फोर्ट है जैसलमेर फोर्ट चित्तौड़ फोर्ट या फिर आमेर फोर्ट है कौन सा फोर्ट है जो कि प्राचीन सिल्क रोड से संबंधित है क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होगा वेरी गुड सब लोगों का आंसर ऑप्शन बी है जैसलमेर का किला बिल्कुल सही आंसर है इसको किसने बनवाया था तो इसको बनवाया था राजा जैसल ने इसको बनवाया था रावल ठीक है इसको बनवाया किसके द्वारा जाता है राजपूत रावल है शासक है जैसल यहाँ पे इन्होंने इसका निर्माण करवाया था ईयर पूछा जाए तो ये करवाया जाता है ग्यारह सो छप्पन ईस्वी में कब ग्यारह सो छप्पन ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था जैसलमेर किला जो कि राजस्थान में मिलता है आपको कहा मिलता है राजस्थान में मिलता है इज इट ओके पॉइंट्स क्लियर है सबको नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है और चित्तौड़ की बात करते हैं तो इसके साथ में राणा कुंभा का नाम याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था जो कि आपको राजस्थान के चित्तौड़ जिले में मिलता है प्रसिद्ध पिछवारम मैंग्रोव वन किस भारतीय राज्य में लोकेटेड है फेमस पिचवारम मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है केरला कर्नाटका आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में मिलते हैं देखो पिछवर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो मिलते हैं इसमें कौन कौन से पेड़ इसमें पौधों की काफी सारी प्रजातियां पाई जाती है तो ये कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा मिलते हैं पिचवर मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं कर्नाटका में गलत दीपक का आंसर सही है धर्म का आंसर सही है और सब गलत कर रहे हो योगराज का भी सही है तीन बच्चों ने सिर्फ सही आंसर किया तमिलनाडु में मिलता आपको। है आपको पिचवरम मैंग्रोव वन कहा मिलते हैं तमिलनाडु में जहां पर पेड़ पौधे पक्षी इन सब की काफी प्रजातियां पाई जाती हैं तमिलनाडु के अंदर लोकेचेड है इज इट ओके किस बुक से मैथ्स एंड जीएस पढ़ते थे देखो सच बताऊं तो मैथ्स और जीएस पढ़ने का जो सबसे बढ़िया मैं आपको बताती हूँ ना सोर्स है सबसे बढ़िया आप पढ़ो अगर बेसिक स्ट्रॉम करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर पढ़ो प्रीवियस ईयर में मैं तो देखो किरण की ज्यादा पढ़ती थी उस टाइम पर लेकिन ये काफी पहले की बात हो गई है अभी आप तो, देखो कि तो आप कोई भी लो प्रीवियस जैसी आपको ठीक लगे किरण में एक प्रॉब्लम ये है कि जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा कहीं कहीं पे गलत भी दिया हुआ लेकिन क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं उसके ओके हाँ प्रीवियस ईयर और उसके बाद अगर आप थोड़ा हाई लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो आप और भी बुक्स पढ़ सकते हो और इससे पहले आर एस अग्रवाल को जरूर सॉल्व कर लेना आर एस अग्रवाल जितना हो सके ना तीन से चार बार कम से कम उसको सॉल्व कर लो आपके बेसिक इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना कि आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी खुद बना सकते हो खुद सॉल्व कर सकते हो बस हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना बाकी और ज्यादा बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है मैम हम नाइनटीन फोर्टी सेवन में मैथ्स पढ़े थे चलो भाई देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव निम्न में से कौन सी घटना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी इनमें से कौन सी घटना है जो कि लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पर हुई थी अकाल पड़ा था जो 1899 से 1900 में हुआ था या फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था या फिर पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम 1900 आया था क्या लगता है कौन सी घटना घटित हुई थी ओके okay. हाँ इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो पिंकी सरोहा टू पॉइंट जीरो के नाम से मेरे नाम की स्पेलिंग है टू पॉइंट जीरो लगा दीजिएगा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो बिल्कुल सही आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर की जाती है ए ओ ह्यूम जो है ये इसके संस्थापक कहे जाते हैं लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पर ही स्थापना हुई थी ठीक है इसका जो पहला सेशन होता है इसका जो फर्स्ट सेशन का आयोजन किया गया था ये कहाँ पर होता है बॉम्बे में हुआ था इसका पहला सेशन एटीन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो ब्रिटिशर जो ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे ये कौन थे जोर्ज यूले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बदरुद्दीन तैयब जी थे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी एनी बेसेंट पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू तो ये सारी चीजें आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स भारत में मैंग्रोव वनस्पति डैश में सबसे अधिक व्यापक है कहाँ पर यह सबसे ज्यादा जो है वो पाई जाती है मालाबार वाले एरिया में कच्छ ऑफ रण में सुंदरबन में या फिर उत्कल कोस्ट ओडिशा में मैंग्रोव वनस्पति जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ पर व्यापक है ये बताना है आप चलिए आंसर बताएं जल्दी से ओके okay. <laughs> ऑप्शन सी ज्यादातर आंसर आ रहे हैं सुंदरबन बिल्कुल सही आंसर है सुंदरबन जो लार्जेस्ट रामसर साइट भी है हमारी बाई एरिया अगर देखें हम यहीं पर मैंग्रोव वेजिटेशन है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है कहाँ पर सुंदरबन में वैसे राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो चार ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे ज्यादा ये मैंग्रोव वेजिटेशन मिलता है इसमें सबसे पहले आपका वेस्ट बंगाल आता है सुंदरबन का भी जो लार्जेस्ट एरिया वो वेस्ट बंगाल में ही आता है तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा ये वेजिटेशन पाया जाता है लगभग फोर्टी टू पॉइंट है वेस्ट के अंदर। उसके फिर आपका, आपका अंडमान निकोबार आ जाता है अंडमान निकोबार आ गया आपका उसके बाद में और उसके बाद फिर आपका आंध्र प्रदेश आ गया तो ये चार राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा ये वेजिटेशन पाया जाता है पॉइंट्स क्लियर है यहाँ तक सभी को चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज कुछ तबीयत से ठीक नहीं लग रही है मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों से ज्यादा ठीक हो गई थी तो अब नजर लग जाती है मुझे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देश में चांदी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो कौन सा स्टेट है चांदी का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो कौन से राज्य में किया जाता है सेशन को इतना शेयर करो कि एटलीस्ट एटलीस्ट तीन सौ बच्चे हमारे क्लास में लाइव हो इतना तो आप कर ही सकते हैं तो दबा के शेयर करो सेशन को मतलब तो इतना भी नहीं कर सकते आप लोग खुद मजे से क्लास ले रहे हैं बस और कोई क्लास ना ले दोस्तों को शेयर मत करना है ना जेलस फील होती है काफी लोगों को जेलस फील होती है कि नहीं मैम हम शेयर अच्छा एक बच्चे ने मुझे जबरदस्त कमेंट किया मैंने बोला क्लास में कि लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर किया करो तो क्लास के नीचे कमेंट क्या हुआ मैम हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई और देखे इसलिए हम शेयर नहीं करते हैं मतलब कई देर तक तो मैं सोचती रही कि ये क्या फिर मैंने उसका कमेंट डिलीट किया ऐसे बच्चों के कमेंट रख के क्या फायदा कॉम्पिटिशन बढ़ जाए दे, ये देखो इनके पास अलग ही रीजन है कि मैम कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा अच्छा कॉम्पिटिशन वैसे जो बड़ा हुआ है उसको कैसे रोक सकते हैं आप चलो चांदी का देखो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन किया जाता है ये राजस्थान के अंदर किया जाता है उदयपुर नाम की जो जगह है वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है अगर गोल्ड की बात करते हैं सोना सबसे ज्यादा तो कर्नाटका के अंदर मिलता है कोलार नाम का डिस्ट्रिक्ट हट्टी गोल्ड माइन्स जो है वो यही पर है हट्टी गोल्ड से क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में ये कहां पर लोकेटेड है तो ये कर्नाटका में मिलती है ठीक है गोल्ड माइन्स कर्नाटका में ही सबसे ज्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन किया जाता है पॉइंट्स क्लियर है साइंस भी बता दीजिए मैम भाई सब बता देंगे हम साइंस के क्वेश्चन आपको डोंट वरी तांबा तांबा बताओ तांबा देखो जो कॉपर है आपका इसका सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन किया जाता है ये एमपी में होता है दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है और तीसरे नंबर पे झारखंड आता है इससे क्वेश्चन बना था कि तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य है कॉपर के प्रोडक्शन के मामले में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों याद रखिएगा ठीक है अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है थोरियम सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है अबरक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है तो इन तीनों का आंसर क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश ये तीनों ही आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ठीक है कोयला सबसे ज्यादा पहले झारखंड में होता था अब छत्तीसगढ़ टॉप पे आ गया आपका कोयले के मामले में अगर मैं आपसे पूछूं लोह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है तो ये भी आपका कर्नाट ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफी चीजें हमने देखी क्वेश्चन नंबर एट किली मंजारो पर्वत किस देश में लोकेटेड है किली मंजारो वही वाला माउंटेन पीक है जिस पर एक छोटे से बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसका नाम है विराट चंद्रा ठीक है विराट चंद्रा जिसका नाम है सात साल का ये छोटा सा बच्चा है जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था किली मंजारों पर चढ़ाई करके तो ये पर्वत चोटी कहाँ पे लोकेटेड है तंजानिया में है बिल्कुल सही आंसर है कहाँ पे तंजानिया में है ठीक है माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पर लोकेटेड है तो ये नेपाल में है इस पर चढ़ाई का रिकॉर्ड बना था प्रियंका मोहिते ने जो कि भारतीय हैं और अभी कैंटन कूल नाम न्यूज में था जो ब्रिटिशर है पहले ब्रिटिशर बने हैं पहले विदेशी बने हैं माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले जिन्होंने सिक्सटीन टाइम्स चढ़ाई किया है वैसे तो कामिरता शेरपा है आपकी जो कि सबसे अधिक बार चढ़ाई कर सक कर चुकी है अच्छा एक और क्वेश्चन अभी आया था कि माउंट uh, एवरेस्ट पर एक ही सीजन में दो बार चढ़ाई करने का जो विश्व रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है तो क्या मुझे कोई उनका नाम बता सकता है जल्दी से बताएं कामरिता शेरपा ट्वेंटी सिक्स टाइम्स जल्दी से जिसने इसका आंसर किया उसको हम चाणक्य की उपाधि देंगे देख लेकिन सबसे पहले आंसर आना चाहिए कोई गूगल नहीं करेगा झूठ बोलने वाले को पाप लगेगा ठीक है सुबह सुबह झूठ नहीं बोला आज देख लो आज गणेश चतुर्थी आज के दिन झूठ बोला तो पिटोगे पूरा नाम लिखना है संतोष यादव ये तो पक्का पटेंगे संतोष यादव से कर हैं मैंने बोला एक ही सीजन में दो बार चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है अमर सिंह पूरा करो तभी तभी मैं आपका नाम लूंगी चलो पूरा नाम किसी को भी याद नहीं है बहुत अच्छा संतोष यादव नहीं है उन्होंने लगातार दो बार चढ़ाई की थी लेकिन एक ही सीजन में नहीं एक साल का डिफरेंस था उसमें और इन्होंने जो चढ़ाई की है ना ये पांच दिन के डिफरेंस पे चढ़ाई की अंशु जमशेन पा नाम है इनका अंशु जमशेन पा नाम है इनका ठीक है ध्यान रखिएगा चीजें याद नहीं रखते हो आप लोग भूल जाते हो कितना ही बताओ लेकिन फिर याद ही नहीं रहता पता नहीं कौन सी कंपनी के बादाम खा रहे हो कहाँ के बादाम खा रहे हो पता नहीं नेक्स्ट देखो पुर्तगाली डैश की खोज में भारत आए थे ये तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ये सबको पता है मसालों की खोज खोज में आए थे चौदह में सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आते कालीकट पे पुर्तगाली कारखाना 1500 सौ ईस्वी में स्टार्ट किया जाता है कालीकट में स्थापित किया था मसाले यहाँ से लेकर जाते थे और अपने देश में बेचते थे किस वर्ष में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया वेरी वेरी इजी क्वेश्चन तमिलनाडु का नाम पहले मद्रास हुआ करता था ठीक है फिर बाद में चेंज करके क्या किया तमिलनाडु किया वो पर्टिकुलर ईयर कौन सा है 1970 किसने किया है हे भगवान उठा ले मुझे आज तो कसम से 1970 नहीं है 68 नहीं है 69 होगा जिसका आंसर ऑप्शन बी है 1969 इसी पर्टिकुलर ईयर में तो इसरो की भी स्थापना की जाती है तमिलनाडु भी आपका यही परफॉरमेशन ईयर है तमिलनाडु को पहले मद्रास कहते थे ठीक है प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है एम के स्टालिन है गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो गवर्नर है आर एन रवि है अब थोड़ा सा तमिलनाडु के इतिहास में जाएंगे जब इसको मद्रास कहा जाता था देखिए यहाँ पर किस शासन किस वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है चोल वंश ने किया है सबसे लंबे समय तक शासन इन्होंने ही सबसे पहला वाला डैम बनाया था हमारा जिसे कि कलई डैम के नाम से जाना जाता है जो बना हुआ है कावेरी नदी के ऊपर तमिलनाडु में बना है ठीक है पॉइंट्स क्लियर यहाँ तक वेरी गुड तमिलनाडु ने देश का पहला डिगोंग कंजर्वेशन सेंटर ओपन किया है और देश का पहला एनर्जी आइलैंड ओपन किया दोनों ही मन्नार की खाड़ी में एनर्जी आइलैंड जो है वो डेनमार्क की सहायता से बनाया गया है आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर इलेवन तमिल जो है वो डैश की ऑफिशियल लैंग्वेज है कहां पर पुडुचेरी की दादरा नगर हवेली दीव या फिर दिल्ली अब ये ऑप्शन आप आसानी से यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो बताए भाई जल्दी से करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ठीक है जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही है पुडुचेरी ये पुडुचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल तमिलनाडु में तो बोली जाती है लेकिन पुडुचेरी में बोली जाती है है ना पुडुचेरी में बोली जाती है जो तमिल भाषा यहाँ की भी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है पुडुचेरी की बात करते हैं ये किसके अधीन हुआ करता था पहले किसका शासन हुआ करता था यहाँ पर फ्रांस की अधीन हुआ करता था उस टाइम पर इसका नाम क्या हुआ करता था पौंडीचेरी होता था फिर इसका पुडुचेरी किया गया इसके कितने पार्ट हैं चार पार्ट है ना पुडुचेरी की पांडिचेरी है यमन है माहे है और एक कराईकल है तो ये चार पार्ट्स है अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके ये चार पार्ट्स कितने राज्यों में फैले हुए हैं तो ये तीन राज्यों में फैले हैं आपका केरला हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो गया इन तीन राज्यों में फैले हुए हैं पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है तमिल एस आई सुंदराजन है जो कि की तेलंगाना के गवर्नर है उन्हीं के पास में यहाँ का एडिशनल चार्ज है ठीक है तो ये बाईस भाषाओं में से एक तो तमिल भाषा भी है आपकी जो कि तमिलनाडु के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से बोली जाती है और यहाँ की भी ऑफिशियल है पुडुचेरी की ओके नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कौन सा महासागर आकार में लगभग गोलाकार है आकार में लगभग गोलाकार है कौन सा महासागर है और ये भी बताइएगा एस इस शेप में कौन सा महासागर ये पूछा गया क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है चलो आंसर करो फटाफट से गोलाकार कौन सा है और एस आकार में कौन सा है पैसिफिक आशियन दिया ऑप्शन में अटलांटिक दिया है इंडियन ऑसियन दिया है और एक अंटार्कटिका ऑशियन दिया गया है करेक्ट आंसर क्या होगा मोस्टली बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है यहाँ पे वेरी गुड करेक्ट है पैसेफिक तो ये तो गोलाकार हो गया आपका ठीक है एस आकार में कौन सा है अटलांटिक है very good. एस आकार में कौन सा है? अटलांटिक है अगर मैं आपसे पूछूं, लार्जेस्ट या फिर जो है ये कौन सा है तो ये भी आपका पैसिफिक अशियन हो जाएगा पैसिफिक और अटलांटिक के बीच में ही आपको पनामा नहर मिलती है इन दोनों के बीच में लोकेटेड है पनामा नहर जिसे गेटवे टू द पैसिफिक के नाम से जाना जाता है राइट right? तो ये पैसिफिक है रिंग ऑफ फायर के लोकेशन भी आपको पैसिफिक में ही मिलती है जो और, जो कि कि और मतलब सबसे ज्यादा पर विस्फोट होते हैं इसमें काफी सारी कंट्री जो इसमें आती है जैसे कि पेरू है बोलीविया है इंडोनेशिया है यहाँ पर वॉल्केनिक विस्फोट होते रहते हैं कि ये इस लोकेशन में आती है अगर मैं आपसे पूछूं अर्थ का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है सबसे गहरा पॉइंट पृथ्वी का जिसे की क्या कहते हैं मरियाना ट्रेंच कहा जाता है मरियाना ट्रेंच कहा जाता है इसकी जो गहराई है ना ये कितना है? ये 11 मीटर इसकी गहराई है ग्यारह हजार मीटर ये कहां पर लोकेटेड है पैसिफिक आशियन में लोकेटेड है ठीक है पैसिफिक आशियन में अगर मैं आपसे पूछू इंडियन आशियन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है तो फटाफट से आंसर करो क्वेश्चन का जल्दी से देख देर कितने बच्चे आंसर करते हैं इंडियन एशियन का रीपिस्ट पॉइंट कौन सा है एस्टेला करेक्ट है धर्म करेक्ट है और कोई सिर्फ दो बच्चों ने आंसर किया है अरे कम से कम देख के तो आंसर कर सकते हो वो भी नहीं कर रहे इतने भोले होते ना कुछ बच्चे कितने भोले होते कितने प्यारे होते हैं कि पता होता है ये आंसर है लेकिन करना नहीं है सिर्फ इसलिए कि हमने दोस्त का देखा है कि ये आंसर है तो अब क्या फायदा आंसर कर? करेक्ट है वेरी गुड सबसे सबसे भोले और प्यारे बच्चे तो मेरी ही क्लास में पाए जाते हैं है ना यस आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर्क रेखा आठ राज्यों से होकर गुजरती है इनमें से कौन सा राज्य है जो उनमें से एक नहीं है इनमें से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है जहां से आठ राज्य आठ राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है ये मैंने आपको बताया हुआ है भाई है ना काफी बार हो चुका है लेकिन आज काफी नए बच्चा दिख रहे हैं तो वो देख ले कर्क रेखा की बात करते हैं कितने राज्यों से गुजरती है मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ राज्यों से होते हुए गुजरती है इसमें असम नहीं आएगा यानी कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है असम से होते हुए नहीं गुजरती है कर्क रेखा कितने देशों से होते हुए गुजरती है अठारह देशों से होते हुए कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है तो ये हो जाएगी माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है कौन सी नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है लिम्पोपो नदी कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है तो ये है कांगो नदी ओके तो ये तीनों चीजें याद रखें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन यहाँ पर अट्ठारह देश करो ये अट्ठारह हो गया ओके okay, नेक्स्ट बाब अल मंदेब स्ट्रेट किन जल निकायों को जोड़ता है बाब अल मंदेब ये स्ट्रेट जो है कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करता है फारस की खाड़ी और रोमान की खाड़ी ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजॉव है बाफिन बी एंड लवराडोर सी रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन बाब अल मंदेब जो है किन दो खाड़ियों को जोड़ने का काम करता है सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर भी करते चले मैंने आप लोगों को 300 का ही तो टारगेट दिया है जो कि ज्यादा नहीं है फिर भी आप लोगों ने अभी तक इसको अचीव नहीं किया दैट्स वेरी बैड गाइस जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करें ओके okay. बिल्कुल सही है जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है देखो जो बाब अल मंदीब जो स्ट्रीट है ना इसको दुख का स्ट्रेट भी कहा जाता है दुख की जल संधि भी कहा जाता है ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है रेड सी सी और एडन को जोड़ने का काम करती है ये ध्यान रखिएगा दुख के के द्वार रूप में इसको जाना जाता है तो छोड़ देखो पे स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है कार्च स्ट्रेट काला सागर और ओजाव सागर को जोड़ता है डेविस स्ट्रेट बाफन बे और लैब्राडोर सागर को जोड़ने का काम ठीक है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 विश्व का सबसे गहरा मास अगर पीछे मैंने बता दिया था आपको पैसिफिक क्वेश्चन है ये हो चुका है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है भाई आपसे सबसे ना गहरी नदी पूछा जा रहा है सबसे लंबी नदी आपको पता है सबसे लंबी नाइल रिवर है विश्व की सबसे सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए तो अमेजन रिवर है आपको पता है लेकिन मैंने पूछा है सबसे गहरी नदी कौन का, अमेजन कांगो नाइल या फिर वॉल्गो रिवर होगा क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या है विच इज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सोच समझ के आंसर करें सबसे गहरी नदी जो है ये कौन सी है सब सोच समझ के आंसर करें ठीक है आंसर आप लोगों के आए हैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी कांगो रिवर है करेक्ट है कांगो रिवर जो है ये सबसे गहरी नदी कही जाती है कि गहराई की बात करें तो कितनी गहरी है ये 200 मीटर 200 मीटर इसकी गहराई है कि ये डीप है 200 मीटर सबसे गहरी नदी कांगो रिवर मैंने बताया था पीछे भूमध्य रेखा को दो बार काटती है ये नदी ठीक है भूमध्य रेखा को दो बार काटती है इज इट ओके सबसे चौड़ी नदी अमेजन है यहाँ पर चलो अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाती हूँ वो नोट कीजिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए देखो वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर कौन सी है देखो 1 सेकंड वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर नेक्स्ट आपको बताना है एशिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है यूरोप की सबसे लंबी रिवर कौन सी है अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर कौन सी है अमेरिका की सबसे लंबी रिवर कौन सी है और इंडिया की तो आपको पता ही है इंडिया की बताओ चलो कौन सी है पाकिस्तान की बताओ सबसे लंबी नदी कौन सी है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है हाँ जी अब एक एक करके आंसर करते हैं वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है नाइल रिवर है, है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है रिवर है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है मर्रे डार्लिंग है यूरोप की कौन सी हो जाएगी वॉलगर रिवर है अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है नाइल है अमेरिका की कौन सी है मिसिसिपी है ठीक है चलिए नेक्स्ट है इंडिया की तो आपको पता ही गंगा नदी है ये सबसे ज्यादा मुझे बताओ कौन से राज्य में बहती है सबसे ज्यादा जो ये कौन से स्टेट में बहती है जो गंगा नदी है इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर -25 है बिल्कुल सही है यूपी में सबसे ज्यादा यूपी के 28 जिलों से होते हुए बहती है गंगा नदी पाकिस्तान की नेशनल रिवर कौन सी है सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है इंडस रिवर है श्रीलंका की कौन सी है महावेली गंगा ठीक है यहाँ तक किसी को कोई डाउट आगे बढ़ लिया जाए लेना चाहो तो ले लो आलसी, हो। नंबर वन आलसी कहां पाए जाते हैं है? की क्लास में ना हर क्वेश्चन का बस स्क्रीन शॉट चाहिए होता है चलो भाई आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लक्षद्वीप का मिनीकोय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है लक्षद्वीप का जो मिनीकोय आईलैंड है कौन सी हमारी नेबर कंट्री का हिस्सा माना जाता है किसका हिस्सा माना जाता है आंसर बताओ जल्दी से आज कसम से लग रहा है तबीयत डाउन होने वाली है लगता है आज वाली क्लास मैंने कुछ ज्यादा ही जोश दिखा दिया है सुबह सुबह ऑप्शन डी मालदीव करेक्ट है बिल्कुल सही आंसर है मालदीव में लक्षद्वीप का जो मिनिको आइलैंड्स है ये मालदीव का ही हिस्सा कहा जाता है आपका और ये जो है ये द्वीप वास्तव में इंडियन आशियन में एक विशाल पानी के नीचे जो है माउंटेन रेंज के सबसे ऊपर है। का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था भाई बैटल ऑफ तराइन जो है इसका जो दूसरा युद्ध होता है ये कब लड़ा गया था आंसर क्या होगा ओके ऑप्शन नंबर ये तो सबको पता ही है। देखो तराइन की पहली लड़ाई ग्यारह इक्यानवे में हुई थी दूसरी लड़ाई ग्यारह बानवे में हुई थी किस किस के बीच में होती है किस किस के बीच में हुई थी तो भाई ये जो लड़ाई होती है आपकी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी जिसमें किसकी हार हार हो जाती है, तो इसमें चौहान की हार हुई थी, ना मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से हरा दिया था और दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा जमा लिया था दिल्ली सल्तनत पर कब्जा जमा लिया और उसी के बाद से मुस्लिम शासन की नींव पड़ जाती है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी के पीछे पड़ गए हो तुम लोग है ना बस और कुछ तुम लोगों को दिखता नहीं है कुछ बच्चे इंस्टाग्राम आईडी के ही पीछे पड़ गए हैं क्यों मतलब नेक्स्ट <laughs> no देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सौरभ गांगुली की आत्मकथा का नाम क्या है वॉट इज द नेम ऑफ द ऑटोग्राफी ऑफ सौरभ गांगुली ये मेरा एक एक्स्ट्रा टैलेंट है मुझे बचपन से एक्टिंग का बड़ा शौक था मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था बचपन से ही लेकिन अभी वो इंस्टा रील्स में पूरा हो जाता है कभी कभी एंटरटेनिंग एंटरटेनमिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से सौरभ गांगुली की बात करते हैं जो कि बीसीसीआई के हेड है प्रेजेंट टाइप पर ये क्या है बीसीसीआई के हेड है बीसीसीआई की स्थापना 1928 के अंदर की जाती है मुंबई के वैनखेड़ा स्टेडियम में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलता है और सौरभ गांगुली जो है इसके हेड हो जाएंगे इनकी जो बायोग्राफी आती है उसका नाम क्या है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ है इस सेंचुरी इज नॉट इनफ के नाम से आती है इनकी बायोग्राफी माइंड मास्टर जो है ये किसकी बायोग्राफी है विश्वनाथ आनंद की बायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर है क्या नाम माइंड मास्टर ये दोनों नहीं है कुछ किसी की बायोग्राफी नहीं है ये है माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की बायोग्राफी इज इट ओके okay? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चाहमान के नियंत्रण के तहत दो प्रमुख शहर कौन से थे दो प्रमुख शहर कौन से थे विच वर टू मेजर सिटीज अंडर से दो प्रमुख शहर थे दिल्ली और अजमेर लाहौर और अमृतसर अलवर और उज्जैन या फिर पानीपत एंड कुरुक्षेत्र क्षेत्र थे चाहमान के नियंत्रण में कौन से दो शहर जो है वो हुआ करते कौन से दो शहर थे बस बस पढ़ाई पे फोकस करो अब इंस्टाग्राम पे नहीं ठीक है इंस्टाग्राम पे नहीं पढ़ाई पे फोकस करो ऑप्शंस ए करेक्ट है दिल्ली और अजमेर बिल्कुल सैर सर है दिल्ली और अजमेर जो है दो प्रमुख शहर थे जो चाहमान के नियंत्रण में हुआ करते थे नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य है ये क्या था जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान लाया जाता है इसका जो मुख्य टारगेट था वो क्या था भाई गरीबी दूर करना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिफॉर्म्स को लेकर ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर स्पेसिफिक ग्रोथ को लेकर के लाया जाता है जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान आता है आपका ये 1951 से 56 में आया था और जितने भी फाइव ईयर प्लान्स है ये हमने कहाँ से लिए हुए फाइव ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने रशिया से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये भी हमने रशिया से लिया तो भाई जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान आया था ये किस चीज़ को लेकर आया था पॉवर्टी एलिवेशन को लेकर था गरीबी को दूर करने के इसके लिए लाया जाता है ये गरीबी को दूर करने के लिए लाया गया था ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ठीक है जो कि 1975 के अंदर उसमें संशोधन किया 74 में आया था आपका फाइव ईयर प्लान जो है फिफ्थ वाला 1974 में आया था इसमें कुछ संशोधन किया गया समिति बनाई गई गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटल ऑफ चंदेल रूलर्स वॉज डे क्या थी चंदेल शासकों की राजधानी अवंतिका और खजुराहो या फिर नरसिंहपुर थे क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी ओके okay. बिल्कुल सही आंसर है देखो इसका संस्थापक पूछा जाए सी आंसर जिनका सही करेक्ट है इसका संस्थापक पूछा जाए का ये कौन थे चंदेल वंश के ये संस्थापक कहे जाते हैं खजुराहो जो है वो इनकी राजधानी हुआ करती थी क्या खजुराहो जो है चंदेल शासकों की राजधानी हुआ करती थी नन्नू का जो है वो यहाँ पर इसके संस्थापक कहे जाते हैं चंदेल वंश के ये संस्थापक कहे जाते जिन्होंने ने नौवीं से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक शासन किया पांच सौ साल तक शासन किया ठीक है इनके जो कल्चरल कैपिटल थी वो महोबा थी कैपिटल ऑफ आर्मी जो है ये कलेंजर थी spiritual capital जो है ये थी खजूराहो क्या जो स्पिरिचुअल कैपिटल है ये थी खजूराहो ठीक है अरे नहीं वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस थोड़ा सा स्टमक एक हो रहा है बीमारी कुछ नहीं है मतलब बुखार वगैरह कुछ नहीं है थोड़ा सा अब ठीक लग रहा है अब ठीक लग रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ब्रेकफास्ट नहीं करके आते ना तो जब लंबी क्लासेस चलती हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस हो जाता है बाकी कुछ नहीं है यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य कितनी अवधि के लिए पद धारण करते हैं जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं जो मेंबर्स होते हैं इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है पांच साल तीन साल छह साल या फिर चार साल के लिए टाइम पीरियड इनका होता है करेक्ट आंसर क्या होगा सिक्स इयर्स बिल्कुल सही है छह साल के लिए होता है इनका जो टाइम पीरियड है तो छह साल के लिए आप मुझे बताइएगा यूपीएससी की अध्यक्ष हुआ प्रेजेंट टाइम पर कौन है जल्दी से प्रेजेंट टाइम पर यूपीएससी की अध्यक्ष जो है कौन है इसका आंसर सबको आना चाहिए और लाइक्स का जो टारगेट है वो अभी तक आप लोगों ने अचीव नहीं किया मतलब दैट्स वेरी बैड इतनी बार बुलवाते हो लेकिन सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं करते हो जितना वॉचिंग चलता है ना आधे बच्चे तो बस बैठ के क्लास देखते हैं वो भी सेशन को लाइक like नहीं करते ओके सो okay. so, आगे बात करें आज हाँ, छह साल या फिर सिक्सटी टू ईयर्स एज जो भी पहले हो वो इनका टाइम पीरियड होता है और टर्म ऑफ ऑफिस जो मेंबर्स होते हैं ये आर्टिकल थ्री वन सिक्स में दिया गया है इनका जो टाइम पीरियड आर्टिकल थ्री वन सिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयु की स्थापना कब की जाती है आंसर बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा हाँ भाई बिल्कुल सही है मनोज सोनी जिन्होंने आंसर किया वेरी गुड प्रथम विधि आयोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ आप प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना है वो बेसिकली कब की जाती है 1955 जन का आंसर है करेक्ट 1955 में की जाती है स्थापना भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना ओके okay? 1955 में की गई थी और यहां पर जो पहले महान्यायवादी अपॉइंट किए जाते हैं श्री एम सी सीतलवाड़ थे जिन्होंने इस आयोग की अध्यक्षता की थी एम सी सीतलवाड़ ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव निम्न व्यक्तियों में से किसकी समाधि को विजय घाट के रूप में जाना जाता है विजय घाट जो है वो किसकी समाधि को कहा जाता है भीमराव अंबेडकर की समाधि को तो चैत्र कहा जाता है है ना क्या कहा जाता है भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं जो संविधान के निर्माता रहे इनकी समाधि को चैत्र कहा जाता है नेक्स्ट इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी की समाधि को तो शक्ति स्थल कहा जाता है दिल्ली के अंदर है And, uh, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट कहा जाता है अब आप मुझे बताओ राजीव गांधी की समाधि को क्या कहा जाता है जो कि चेन्नई के अंदर लोकेटेड है क्या कहा जाता है राजीव गांधी की समाधि को क्या कहा जाता है कौन बताएगा करेक्ट वीर भूमि। ये कहाँ पर है चेन्नई के अंदर है किसान घाट जो है किसकी समाधि को कहा जाता है आप मुझे बताइए किसान घाट किसकी समाधि को कहा जाता है और एक आप बताइएगा राजघाट जो है राजघाट ये किसकी समाधि को कहा जाता है चौधरी चरण सिंह बिल्कुल सही आंसर वेरी गुड चौधरी चरण सिंह जिन्होंने किसानों के लिए काफी काम किया था राजघाट की बात करेंगे तो ये राजघाट किसका गांधी जी वेरी गुड महात्मा गांधी की समाधि को कहा जाता है जो कि दिल्ली के अंदर है ठीक है क्लियर हैं, देखो। आते क्वेश्चन नंबर पर पर हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है? देहरादून, दार्जिलिंग या फिर शिलोंग के अंदर आपको मिलती है क्या लगता है भाई करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए जो हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है जो कि नाइनटीन फिफ्टी फोर के अंदर बनाया गया था कहां पर बनाया जाता है वेस्ट बंगाल में इसकी स्थापना की जाती है कौन सी जगह पे दार्जिलिंग में बिल्कुल सही है ये कहाँ पर लोकेटेड है दार्जिलिंग में लोकेटेड है 1954 में से बनाया गया ओके okay, तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी इसके पहले अध्यक्ष कौन थे तैंजिंग नारके जो है वो इसके पहले अध्यक्ष अपॉइंट किए गए थे नेक्स्ट किसने शेख चिले की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनवाया जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है शेख चिले की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनवाया था जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है तो आप मुझे बताइएगा कि ये किसने बनवाया था इसका मकबरा है इसका मकबरा ओके okay. ठीक है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दारा शिको ने बनवाया था शेख चिली के लिए बनवाया था शेख चिली की याद में दारा शिको के द्वारा ये बनवाया जाता है जो कि कब बनवाया था 1650 सो ईस्वी में बनवाया था दारा शिको ने शेख चिली की मृत्यु के बाद 1650 सो ईस्वी में उनकी याद में ये बनवाया जाता है इसी का हरियाणा का ताजमहल कहते हैं कि ये जो ना ताजमहल के जैसा ही है मिलता जुलता है ठीक है शशि थरूर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इनमें से कौन सी है आपको बताना इनमें से कौन सी बुक है जो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई एन एरा ऑफ डार्कनेस डेमोक्रेट्स एंड है। कौन सी बुक है इनमें से जो शशि थरूर ने लिखी ऑप्शन नंबर बी होगा गलत है एन एरा ऑफ डार्कनेस आती है शशि थरूर की बुक जिसमें इन्होंने बताया गया है कि जो ब्रिटिशर्स का जो रूल्स है जो शासन है वो हमारे लिए कितना विनाशकारी है तो ये उस टाइम पर लिखी गई बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस इस माध्यम से इन्होंने खुलासा किया था भारत के लिए ब्रिटिश शासन जो है वो कितना ज्यादा विनाशकारी था लंडन में इंडिया हाउस की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की जाती है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की श्यामजी कृष्ण वर्मा ज्ञानन सरस्वती हरदयाल या फिर तारकनाथ दास ने की था? इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की ऑप्शन नंबर सी डी सब लोग आंसर करें गलत है यह श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी ऑप्शन नंबर ई होगा करेक्ट आंसर श्याम जी कृष्ण दास ने की थी जो कि एक हमारे फ्रीडम फाइटर थे एक पत्रकार और वकील के रूप में भी काम किया है तो ये बेसिकली किसके लिए था ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जो लंदन में पढ़ने के लिए गए थे लेकिन वहाँ पर इनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी ठीक है रहने के लिए कोई जगह नहीं थी उनके पास में तो स्पेशली इंडिया के स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ने गए थे उनके लिए इंडिया हाउस बनाया जाता है ठीक है उनके लिए इंडिया हाउस बनाया जाता है ओके okay. कल पेपर है जिसका उसका ऑल द वेरी बेस्ट जिसका आगे के शिफ्ट्स में पेपर है उन सभी का ऑल द वेरी बेस्ट बहुत अच्छा पेपर जाएगा डोंट वरी मैं सुबह सुबह जो बोलती ना वो सच होता है ठीक है जिनका भी कल पेपर है बहुत शानदार जाएगा बस सेशन को लाइक कर दीजिएगा ठीक है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या है मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत ने डैश के दरबार का दौरा किया मेगास्त जो की एक ग्रीक राजदूत था इसने किसके दरबार का दौरा किया था विजिट किया था अशोक में अशोक के दरबार में गया था यह समुद्र गुप्त स्कंद गुप्त या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका आंसर बड़ी जल्दी आप लोगों ने कर दिया बिल्कुल सही है मौर्य वंश का संस्थापक इसी को कहा जाता है वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में गया था जो कि एक ग्रीक अम्बेसडर था एक ग्रीक राजदूत था ठीक है okay? के द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम क्या था इंडिका इंडिका बुक जो है वो लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है द लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बता मैम मेरा एग्जाम हो गया ट्वेंटी थ्री अगस्त को पेपर था कानपुर में क्लास कब तक चालू रहेगी मेरी क्लास कब तक चालू रहेगी आरआरबी आर बी की एग्जाम की तैयारी करनी है ये क्लास देखो एग्जाम चल रहे हैं ग्रुप डी के तब तक तो चालू रहेगी उसके बाद फिर हम कम करते हैं करंट अफेयर क्लासेस पर हमारी करंट अफेयर की क्लासेस बंद हो जाती है आप लोगों के एग्ज़ाम के चक्कर में फिर मुझे ना पूरा पुराना तक करंट अफेयर पढ़ाना पड़ता है अभी एक महीने से करंट अफेयर की क्लासेस जैसे पूरा एक महीने का पहले कवर कराऊंगी एक मैराथन क्लास लेकर के उसके बाद फिर डेली करंट अफेयर्स वाले पे आएंगे हम फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाइटिंगल बिल्कुल सही है नाइटिंगल एक नर्स थी और इन्हीं को द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है क्योंकि एक युद्ध हुआ था उस टाइम पर इन्होंने मरीजों के लिए घायल लोगों के लिए काफी काम किया था लैंप के इन्होंने सबका इलाज किया था ठीक है तो इन्हीं को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है क्रीमियन वॉर जो हुआ था उस टाइम पर इन्होंने काफी लोग अपने साथ लैंप लेकर के घायल लोगों की सेवा की थी इलाज किया था इसीलिए उन्हें ये उपाधि दी गई थी तो ये जो क्रीमियन वॉर हुआ था अठारह से अठारह के बीच में चला था अठारह से अठारह ये वॉर चला था नेक्स्ट भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया विंड एनर्जी का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर स्टेट है ये किसको कहा जाता है तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात या फिर राजस्थान को कहा जाता है किसको कहा जाता है करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से यहाँ पे क्या होगा ऑप्शंस ए बी सी एज इनका आंसर एक करेक्ट है विंड एनर्जी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में किया जाता है ये रिन्यूएबल एनर्जी भी क्या ठीक है तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की रिपोर्ट 2020 के अनुसार ये रिपोर्ट है जो कि गई थी जिसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु नंबर वन पे है सेकेंड नंबर पे कौन सा स्टेट में किया जाता है सेकेंड नंबर पे आ जाता है गुजरात ठीक है दूसरे नंबर पे गुजरात में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहां पर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम का जो हेडक्वार्टर है ये कौन सी जगह पर आपको मिलता है जिसकी स्थापना कब की गई थी 1960 में इसकी स्थापना की जाती है और सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है इंडियन ऑयल कंपनी इसने अपना जो पहला कारखाना ओपन किया था ने जो पहला कारखाना ओपन किया था ये ऑयल फील्ड के नाम से जाना जाता है हमारे देश में जो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है वो यही है नूनमती और पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ मिलता है आपको देहरादून के अंदर मिलता है ठीक है कहाँ मिलता है देहरादून में मिलता है पेट्रोल को लेकर के रिवॉल्यूशन कौन सा लाया जाता है रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो कौन सा रिवॉल्यूशन लाया जाता है ब्लैक रिवॉल्यूशन है हिंदी में आपको यहाँ पे कृष्ण क्रांति भी मिल सकता है हिंदी में कृष्ण क्रांति भी मिल सकता है एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज अगर आपसे पूछ लिया जाए काला सोना किसे कहा जाता है तो देखो वैसे कोयले को भी कहा जाता है लेकिन पेट्रोल को भी कहा जाता है जो भी ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करके आना ब्लैक गोल्ड काला सोना इसे कहा जाता है पेट्रोल को कहा जाता है ठीक है यहां तक किसी को डाउट नहीं है आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहां पर लोकेटेड है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे लोकेटेड साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर कहा है? मुंबई सेंट्रल चेन्नई जबलपुर या फिर हुबली के अंदर आपको मिलता है क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा देखो भी रेलवे की बात करते टोटल रेलवे जोन कितने हैं टोटल रेलवे जोन है कितने अट्ठारह लॉन्गेस्ट जो रेलवे नेटवर्क है ये यूपी के अंदर है आप ठीक है जोन पूछा जाए आपसे तो कौन सा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका नॉर्थ जोन है जो सबसे लॉन्गेस्ट है अभी पूछा जाए साउथ वेस्टर्न रेलवे जो है ये कहाँ पर मिलता है आपको हुबली के अंदर मिलता है हुबली के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लीजिए एक बार देखो ये नोट कर लीजिएगा एक बार याद करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगी कौन कौन से याद रखेगा मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में है ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका नॉर्थ रेलवे का ये दिल्ली के अंदर है बड़ौदा हाउस और उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद के अंदर है पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में हो जाएगा ये भी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपका दक्षिण रेलवे चेन्नई में है लेकिन एक बार देख सारे लीजिएगा क्योंकि कोई भी आ सकता है पेपर में लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने मार्क किया है ये तो जरूर जरूर आप लोगों को याद रखने ठीक है चलिए आगे बढ़ लिया जाए हाँ टारगेट आप लोगों ने अचीव कर दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का लेकिन ये टारगेट थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम अब 400 देते हूं आपको टारगेट 400 लाइक्स का टारगेट है ये आपको अचीव करना है ठीक है 400 लाइक्स आप लोगों करने है। को करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन 20वीं सदी का अंतिम महाकुंभ किस शहर में आयोजित किया गया देखो जो महाकुंभ होता है जो कि 12 साल में एक बार भरता है चार जगहों पर भरता है तो ये चार जगह कौन कौन सी हरिद्वार है नासिक है उज्जैन है और क्या इलाहाबाद भी है चलो मुझे बताओ कि कौन से शहर में हाँ कौन से शहर में लास्ट जो है इसका आयोजन किया गया था कुंभ के मेले का आयोजन आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा कहाँ कहाँ पे भरते हरिद्वार नासिक प्रयागराज में भरता है ठीक है तो इलाहाबाद को ही अब क्या कहा जाता है प्रयागराज का एक बार भरता है। अभी शताब्दी में भरा था? ये बताइए ऑप्शन नंबर ए ठीक है हरिद्वार करेक्ट है बिल्कुल सही आंसर बीसवीं शताब्दी में कहाँ भरा था हरिद्वार एंड दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम मिलते हैं अब आपसे मुलाकात होगी कल सुबह आठ बजे कल सुबह आठ बजे मिलते हैं जो भी नए बच्चे जुड़े हैं आज वो सेशन को लाइक एंड शेयर तो करना ही है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी नई क्लास होगी वैसे तो डेली सुबह आठ बजे क्लास का टाइम होता है एवरीडे सुबह आठ बजे क्लास होती है तो एवरी सुबह आठ बजे जो है आप लोग को क्लास में पहुंच जाना है ठीक है हाँ जी चलो ओके okay, आपका जो स्कोर रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा चलो ओके गाइस बाय बाय हैव ए गुड